से सौतेला बर्ताव, मोदी जी देना पड़ेगा जवाब। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कुछ ऐसे आंकड़े कोर्ट के सामने रखे जिन्हें देख कोर्ट का पारा हाई हो गया। वो आंकड़े सुनते ही कोर्ट ने मोदी सरकार की ऐसी क्लास लगाई कि मोदी सरकार को जवाब देते नहीं बना। दरअसल दिल्ली सरकार ने पूरा ब्यौरा निकाला कि पूरे देश में कौन से राज्य की ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है और केंद्र सरकार से उनको कितना ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जैसे कि पंजाब की ऑक्सीजन डिमांड 126 टन की है, लेकिन केंद्र सरकार इतना मेहरबान है कि पंजाब को 126 से भी ज़्यादा 136 टन ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उसी तरह तमिलनाडु की डिमांड 200 टन है, मोदी सरकार से उन्हें 220 टन ऑक्सीजन मिल रहा है। केरल की डिमांड है 89 टन की, तो मोदी सरकार से उसे 99 टन ऑक्सीजन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की डिमांड 215 टन है, लेकिन मोदी सरकार पहुंचा रही है 227 टन ऑक्सीजन। खैर, ये तो कुछ ही उदाहरण है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि तमाम राज्यों को उनकी डिमांड से भी ज़्यादा ऑक्सीजन दे रही है मोदी सरकार। अब आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली को नॉन आईसीयू बेड के लिए 704 टन और आईसीयू बेड्स के लिए 272 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मतलब कुल डिमांड 976 टन की। ऐसे में भी मोदी सरकार दिल्ली सरकार को 300-400 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रही। अब आप सोचेंगे कि बाकी राज्यों को ज़रूरत से भी ज़्यादा, लेकिन दिल्ली को ज़रूरत से आधा ऑक्सीजन क्यों दे रही है मोदी सरकार, जबकि दिल्ली एक लौता राज्य है जहां दूसरे राज्यों से भी जनता इलाज कराने आती है। ऐसे में दिल्ली की ज़रूरतों का ध्यान रखना भी मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश की बात है। मोदी सरकार दिल्ली का साथ देने की बजाय दिल्ली के साथ राजनीति करती नजर आ रही है। भाजपा नेताओं की बयानबाजी रोज जारी है। क्या भाजपा और मोदी जी दिल्ली में इलाज करवा रहे दिल्ली वालों और पड़ोसी राज्यों के मरीजों को मार देना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर गए हैं? भाजपा वालों और मोदी जी, आपकी पूरी देश में सरकार है। इस महामारी के समय सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, जैसे आपको अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी की मदद लेनी पड़ रही है, उसी तरह दिल्ली को भी कुछ अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है। ये इंसानियत का सवाल है, देश का सवाल है। यहाँ राजनीति मत करो मोदी जी, लोगों की जान दांव पर लगी है। राजनीति के लिए बहुत साल पड़े हैं, चुनावों में कर लेना राजनीति मोदी जी। अभी दिल्ली में इलाज करा रही दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की जनता की जान के साथ मत खेलो। जनता की बद्दुआ में बहुत ताकत होती है, जनता ही हमारी मालिक है। उनकी सेवा करिए, जान लेने का काम मत करिए।